चंडीगढ़ की रहने वाली तारिणी गोयल केवल 12 वर्ष की है, लेकिन तारिणी की उपलब्धियां उसकी उम्र से कहीं बड़ी हैं। तारिणी हाल ही में ईरान में हुई एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप की अंडर 12 रैपिड कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत लौटी है। इस प्रतियोगिता में अलग अलग देशों की कई दिग्गज खिलाड़ियों ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन तारिणी के बेहतरीन खेल के आगे कोई टिक नहीं पाया। यह पहला मौका नहीं है जब तारिणी ने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में अपना और देश का नाम चमकाया हो। तारिणी इससे पहले फिलीपींस में अंडर 10 कैटेगरी में सिल्वर मेडल प्राप्त कर चुकी हैं और फिलहाल तारिणी वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप के लिए तैयारियों में जुटी है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली तारिणी अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नजर आई। ये एशियन यूथ चेस चैंपियनशिप थी, ये इंटरनेशनल लेवल चैंपियनशिप थी, इसमें काफ़ी टफ कंट्रीज एशियन से आती हैं पूरे एशिया में से। यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, मेरा रैपिड फॉर्मेट में ब्रॉन्ज मेडल आया, तो काफ़ी अच्छा रहा। तारिणी को एशियन चैंपियनशिप के दौरान कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती रही मौसम के बदलाव की। तारिणी ने बताया कि ईरान में पड़ रही गर्मी के कारण उन्हें मुकाबलों में अपना ध्यान केंद्रित करने में कुछ परेशानी जरूर हुई। वहाँ पर हम लोग गए थे तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा टफ होता था खेलना, बिकॉज हमें अपना हेड कवर करना था और आर्म्स कवर करके रखनी पड़ती थी कंटिन्यूअसली। तारिणी के माता पिता भी तारिणी की उपलब्धियों से बेहद खुश हैं। जहाँ दोनों तारिणी की सराहना करते नहीं थकते, वहीं दोनों ने ये भी उम्मीद जताई कि तारिणी आने वाले सालों में अपनी प्रतिभा को और निखारे और आने वाले समय में भी अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखे। अच्छा लगता है कि बच्चा अचीव करे और आपको लगता है जितना भी आप एफर्ट कर रहे हो वो आपको पे हो रहा है वापस, मतलब एफर्ट इज नॉट गोइंग वेस्ट, आपका एफर्ट जो है वो सक्सेस से इक्वल हो रहा है। और वैसे भी मन को बहुत अच्छा लगता है कि लाइफ में आप कुछ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, तो डिफरेंट तो लगता ही है। और चेस एक ऐसी फील्ड है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब इट्स अ ब्रेन गेम। और उसके बाद ये 5th ईयर है जो ये लगातार एशियन खेल रही है, न्यू दिल्ली के बाद चाइना, फिलीपींस, श्रीलंका, ईरान, और ये 5th टाइम था जो इसने इन अ रो सेलेक्ट हुई, अपनी कंट्री की तरफ से खेला और मेडल लिया। एक्सपोजर के बारे में तो ये है कि तारिणी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, बहुत डिटर्मिनेशन वाली प्लेयर है और इसमें बहुत पोटेंशियल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो नेशनल इंटरनेशनल कोचेज इसकी गेम देखते भी हैं वो भी हमें यही कहते हैं कि इसमें बहुत ही पोटेंशियल है। स्टडीज़ में भी तारिणी इक्वली ब्रिलियंट है। अब जिस तरह एक महीना अब ये पूरा इसका एशियन यूथ में निकल गया, नेक्स्ट वीक से इसके अपने एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे, पर ये एक दिन में ही जिस अपनी तैयारी करके एंड शी इज़ अमंगस्ट द टॉप 4-5 चिल्ड्रन इन द क्लास। तारिणी गोयल ने छोटी सी उम्र में ही कुछ बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं और इस चेस खिलाड़ी ने आज राष्ट्रीय स्तर पर खुद के लिए एक अलग पहचान बना ली है। उम्मीद यही है कि तारिणी और बड़ी उपलब्धियां हासिल करे और अपना और देश का नाम रोशन करके दिखाए। चंडीगढ़ से बीनू शर्मा और कैमरा पर्सन गिरीश दुर्गापाल के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।